साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति की भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। साईं न हिंदू है और न मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा है। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिसे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। आओ जानते हैं साईं बाबा के ऐसे ही कुछ कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। दामोदर को सांप ने काटा। दामोदर को सांप के काटने और साईं बाबा द्वारा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र दवा औषधि आदि के बगैर उसके शरीर से जहर का बूंद बूंद बाहर टपका देने की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। लोगों ने द्वारका माई मस्जिद में आकर साईं बाबा को उनके कंधों पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगे। सभी छोटे बड़े आदि पुरुष साईं बाबा को गाँव घुमाने लगे। नई मस्जिद के मौलवी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह तो फरिश्ता है। शिरडी का सौभाग्य है कि ये यहाँ पर आ गए। सभी उपस्थित व्यक्ति एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हम तो साईं बाबा का जुलूस निकालेंगे। फिर उसके बाद सभी जुलूस निकालने की तैयारी करने लगे। यह देखकर गाँव के पंडित को बहुत दुख होने लगा। पूरे गांव में वे ही एक पंडित थे जो नए मंदिर के साथ साथ पुजारी वैद्य और पुरोहिताई का कार्य भी किया करते थे। इसमें उनको साईं बाबा की कुछ चाल नजर आ रही थी। साईं बाबा एक चमत्कारिक पुरुष है, पंडित इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जी गांव की चौपाल पर गए और वहां बैठे लोगों से बोले, यह गाँव ही मूर्खों से भरा पड़ा है। वह कल का मामूली छोकरा सिद्ध पुरुष कैसे हो सकता है? कई जन बीत जाते हैं साधना करते हुए, तब कहीं सिद्धि प्राप्त होती है। नाक का जहर तो कोई भी सपेरा उतार सकता है, यह तो मात्र सपेरा है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ठीक कहते हैं पंडित जी, एक 15-16 वर्ष का छोकरा है और गांव वालों ने उसको सिद्ध पुरुष बना दिया और उसका नाम रख दिया साईं बाबा। इस नाम का क्या अर्थ होता है पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि उसे ही जाकर पूछो जिसने इसका नाम रखा है। फिर पंडित जी ने कहा कि जाओ पुरानी मस्जिद में देखकर आओ वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी ढोल ढमाके आदि की आवाज़ सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्होंने देखा सामने से साईं बाबा की शोभा यात्रा जय जयकारे के साथ आ रही थी। एक पालकी में साईं बाबा विराजमान थे। पंडित जी यह देखकर हैरान थे। दामोदर और उनके साथियों ने पालकी अपने कंधे पर उठा रखी थी। उनके साथ गांव की कई महिलाएं भी थी। यह देखकर पंडित जी आपा खो बैठे और वे गला फाड़कर चिल्लाने लगे, सत्यानाश हो, ये ब्राह्मण के लड़के भी इस सपेरे के बहकावे में आ गए। अरे ये बहुत बड़ा जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष नहीं, नौजवानों को इसने अपने वश में कर रखा है। एक दिन ये सभी भी इसी की तरह शैतान बन जाएंगे। साईं बाबा की पालकी में भीड़ बढ़ती जा रही थी और ग्रामवासी नाचते गाते झांझ मंजीरा बजाते हुए आगे निकल गए। महिलाएं अपने अपने घरों से साईं बाबा का स्वागत कर रही थी। यह देखकर पंडित और जलभुन गया और पैर पटकता हुआ अपने घर में जाकर लेट गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ओम साईं राम।